तो आज हम बात करने वाले हैं इस अजीब सी स्प्रिंग के बारे में जिसको आप खेल सकते हैं। तो आप सभी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद जिन्होंने ये वीडियो देखना प्रेफर किया, और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फिर वीडियो में आज मैं बताने वाला हूँ कि ये रेनबो की मैजिक स्ट्रिंग, ऐसा नाम उसका दिया है, लेकिन इसका कुछ नाम अलग ही है, मुझे पता है, मैंने इसके ऊपर इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं किया, बट ये मुझे इस दुकान में दिखी तो मैंने इसका रिव्यू बनाने के लिए या फिर आपको दिखाने के लिए फटफट इसको हाथ में ले लिया। और बचपन में भी मैंने शायद से ऐसी कोई मैजिक स्प्रिंग्स के साथ खेला है, और इसको खेलने के और अच्छे अच्छे तरीके हैं, और वो थोड़े से मुझे रिसर्च करने पड़ेंगे। अगर आपको इसको खेलने के या फिर इसके साथ कुछ अलग अलग ट्रिक्स देखनी है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये रिंग अगर आप आपके छोटे बच्चों को दे देते हो तो वो काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हैं। उनको मोबाइल ज़्यादा मत दीजिए, ऐसी कुछ स्प्रिंग या वैसी कुछ चीज़ें दे दीजिए। तो ये स्प्रिंग को हाथ में लेके आप थोड़ा बहुत जैसा चाहिए वैसे खेल सकते हो। फिजिक्स की स्प्रिंग है ये, तो इससे आप थोड़ा बहुत फिज़िक्स भी समझ जाओगे और टाइम पास भी हो जाएगा आपका, और आपकी कुछ अलग स्किल्स भी डेवलप हो जाएगी। और ये देखिए, मैं जिस स्प्रिंग के साथ खेल रहा हूँ उसको ऐसे नहीं खेलना है, उसके अलग अलग तरीके भी है, आप उसको प्लीज़ रिसर्च कर लीजिए और उसके साथ खेलिए। मैं तो ऐसे ही कैमरा भी पकड़ा था और स्प्रिंग के साथ भी खेलना था करके ऐसे कुछ भी खेल रहा हूँ। फिर मैंने दोस्त को कैमरा दे दिया और स्प्रिंग के साथ मैं थोड़ा और अच्छे से खेलने लग गया। ये देखने में इतना भले ही मज़ेदार नहीं लग रहा है, लेकिन जब ये चीज़ आप करते हो तो जो स्प्रिंग का फीलिंग है, मतलब जो आपको फील होता है हाथ में ये होते हुए, वो बहुत ही बढ़िया फीलिंग है। और एक मोमेंट बाद आप काइंड ऑफ उसके जोन में चले जाते हो। देखिए ये स्प्रिंग कैसे बीच में एक हो जाएगी, इसको अगर मैं खींच के छोड़ दूंगा तो हिला ना, ज़रूरी नहीं था, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ उधर। चलिए ठीक है, इतना कुछ खास तो था नहीं, बट ये मुझे स्प्रिंग बहुत अच्छी लगती है, आपको भी अच्छी लगती है तो फिर आप भी इसको ले लीजिए। गुड नाइट, टेक केयर, गुड मॉर्निंग।